हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब लोग सही से होंगे, ठीक ठाक होंगे। देखिए, मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ आज सऊदी अरब में कैसा मौसम बना हुआ है, कितना फोगी मौसम बना हुआ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ आज। ये तो अभी फ़िलहाल मैं कैंप में हूँ और आप वीडियो पे बने रहिएगा, आपको मैं बाहर का भी नज़ारा दिखाऊँगा, बाहर में कैसा मौसम है। हो सकता है कैंप में ही सिर्फ हो, इसके बाहर कहीं अच्छा होगा, तो मैं आपको पूरा बाहर तक का सीन दिखाऊंगा। अभी आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए आज कितना फॉगी मौसम हुआ है यहाँ पे सऊदी अरब में। मैं तो सुना था कि इंडिया में ही फॉगी मौसम होता है, वो भी इंडिया में तो ठंडी के मौसम में होता है जब ठंड पड़ता है, तो यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल गर्मी का मौसम है, फिर भी इतना फॉग गिरा हुआ है। तो आप बने रहिए वीडियो पे, कंटिन्यू रहिएगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बाहर का मौसम कैसा है, कैंप से बाहर का हालात भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो फिलहाल मैं अपने कैंप में ही हूँ। वीडियो हेलो गाइस, देख रहे हैं आप लोग आज का मौसम सऊदी अरब में कितना फोग गिरा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है रोड पे। ये देखिए, कुछ भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया से भी खतरनाक यहाँ पे फॉग गिरता है। देखिए इतना ना फॉग गिरा हुआ है कि गाड़ी चलाना मुश्किल है। देखिए ये हाईवे पे मैं चल रहा हूँ 40 का स्पीड, हाईवे पे हूँ 120 वाला स्पीड, रोड पे मैं 40 में चल रहा हूँ। इतना ना फॉग गिरा हुआ है यहाँ पे, कुछ भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए आप लोग देख सकते हैं बाहर कितना फॉग है। मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, तो देखिए आप लोग बाहर कितना फॉग, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी। हर साल ऐसे ही फॉग गिरता है यहाँ पे। देखिए आप लोग बाहर, मैं बहुत मुश्किल से 40 का स्पीड में जा पा रहा हूँ क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ पीला पट्टी और व्हाइट पट्टी दिखाई दे रहा है हमको। उसी से मैं रोड गाड़ी चला रहा हूँ, पीला पट्टी देख करके और व्हाइट पट्टी देख करके। देख सकते हैं आप लोग रोड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये हर साल ऐसे ही फॉग गिरता है इस एरिया में। एक्चुअली हम लोग अभी हैं यहाँ पे, बगल में समुंदर है और ये जिस रोड पे हूँ मैं, ये रोड कतर के लिए जाता है, उसी रोड पे हूँ, उस बगल में समुंदर है, तो शायद समुंदर की वजह से इतना फोग आता हो, मैं भी इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा फोग है, बहुत ज़्यादा। इतना कि मतलब हाईवे पे हर एक गाड़ी 40-30 की स्पीड में चल रही है। देख रहे हैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सामने से कुछ आ भी जाए तो पता नहीं चल रहा, बस गाड़ी चल रहा है अल्लाह के भरोसे। ओह माय गॉड, ये देखिए मेरे सामने एक गाड़ी वाला है, कितना आस्ते आस्ते चल रहा है क्योंकि इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए चला नहीं पा रहा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी हमारे ड्राइवर्स भाई हैं या जो भी ड्राइव कर रहे हैं हाईवे पे, खास करके ये सलवा खोबर साल वाले रोड पे, तो प्लीज़ आप लोग केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना फोग है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप अगर गाड़ी नहीं भी मारेंगे तो दूसरा कोई आके मार देगा, तो इसका थोड़ा केयर कीजिएगा आप लोग और फोग से आप लोग बचिएगा। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा सूरज महाराज निकल रहे हैं, इनको निकलने के बाद देखते हैं क्या होता है। अभी तो दिखाई दिए हैं सूरज महाराज, लेट से जाइए, 10 मिनट लेट पहुंचिए, लेकिन अच्छा से सेफली गाड़ी चला करके कहीं भी जाइए क्योंकि ये फोग की वजह से कुछ भी हो सकता है। देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल, रोड भी दिखाई नहीं दे रहा, अभी तो पट्टी भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं तो उस टाइम से पट्टी देख करके चला रहा था गाड़ी, अब तो पट्टी भी हमको दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी चला रहा हूँ ऊपर वाले के भरोसे। तो आप लोग भी केयरफुल ड्राइविंग कीजिएगा,
कुछ भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी। ऐसे मौसम में बहुत मुश्किल है गाड़ी चलाना यहाँ पे। सोचता था कि इंडिया में ही इतना फोग गिरता है, क्योंकि इंडिया का फोग मैं देखा हूँ और सऊदी में भी इतना फोग गिरता है, मुझे नहीं पता था। तो आज तो मैं फंस गया हूँ सऊदी का फोग में। बाकी देखते हैं क्या होता है, कैसे मैं पहुंच पाता हूँ अपना ड्राइव करके। तो आप लोग भी देखिए कितना फोग है, कुछ बिल्कुल। अभी देखिए आप, सुबह का टाइम है। टाइम कितना हो रहा है देखिए आप, 6:24 हो रहा है टाइम, 6:24 हो रहा है, सुबह मॉर्निंग का टाइम है। इस टाइम में देखिए इतना फोग है। ये तो मैं अपने उधर ही देखा था इंडिया में, सुबह भी और रात को भी फोग रहता था, लेकिन आज सऊदी में मैं पहली बार देख रहा हूँ इतना फोग। और गाड़ी मेरा देखिए 50 का स्पीड में है और बहुत मुश्किल है गाड़ी चलाना, फिर भी मैं चला रहा हूँ। सूरज महाराज निकल जाइए, थोड़ा जल्दी आ जाइए कि पूरा ओपन हम लोग को दिखाई दे। सूरज महाराज भी दिख रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी दोस्त अगर खोबर से सलवा की तरफ आते होंगे तो बहुत सेफली ड्राइव करके आइएगा, क्योंकि इतना ना फोग गिरा हुआ है, इतना ना फोग है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आराम आराम से आइएगा अपना। देखिएगा जी, सऊदी अरब है, सऊदी अरब में कतर, मैं जहाँ पे हूँ यहाँ से कतर बॉर्डर तकरीबन 150 किलोमीटर है। और साइड में यहाँ पे बहुत बड़ा समुंदर है जो कि खोबर से सटा हुआ है समुंदर। तो ये मेरे ख्याल से समुंदर की वजह से ही इतना फोग बना हुआ है। देखिए अभी मैं पीला पट्टी देख के गाड़ी चला रहा हूँ। पीला पट्टी दिखाई दे रहा है ना, आप लोग भी देख पाते होंगे रोड पे पीला पट्टी, व्हाइट पट्टी इसी के लिए दिया जाता है कि जब रोड आपको दिखाई नहीं दे तो आप पीला पट्टी को देख करके गाड़ी चला लेंगे, ताकि गाड़ी चलाने में आसान होगा आप। तो मैं पीला पट्टी देख करके ही गाड़ी चला रहा हूँ। देखिए बिल्कुल अंधेरा हो गया, जैसे रात हो रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हमको, सिर्फ पीला पट्टी एक देख रहा हूँ, देख पा रहा हूँ मैं, और ये पीला पट्टी देख के ही मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो आप लोग भी पीला पट्टी पे ध्यान रखिएगा, ताकि लेफ्ट साइड आप रोड से बाहर नहीं जाए और गाड़ी आपके रोड पे ही रहेगा। पीला पट्टी देख करके गाड़ी चलाइएगा तो गाड़ी आपका रोड पे ही रहेगा, रोड से बाहर आप नहीं जाइएगा। बाहर जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बाहर कोई दूसरा गाड़ी में लड़ सकता है। सामने इधर स्पीड लिमिट वगैरह का बोर्ड रहता है, उधर भी लड़ सकते हैं। तो इसीलिए आप पीला पट्टी का यूज कीजिएगा। देखिए मेरे सामने एक भाई साहब जा रहे हैं, इनको भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी बहुत धीमे धीमे जा रहे हैं, आस्ते आस्ते जा रहे हैं। देखिए गाइस, आप लोग जब भी ऐसा मौसम हो, फोगी मौसम हो, तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं उस टाइम, ड्राइव करते टाइम आप गाड़ी का हेडलाइट जला लीजिए, उसके बाद आप इमरजेंसी पार्किंग इंडिकेटर जला लीजिए, चारों इंडिकेटर जला करके फिर रोड पे अपना आराम आराम से चले, ताकि पीछे से भी कोई गाड़ी आए तो उनको पता चले, ताकि आगे कोई मेरा गाड़ी है। तो आप इंडिकेटर जला कर रखेंगे तभी अगला को, पीछे वाले को पता चलेगा कि मेरा आगे से कोई गाड़ी है, ठीक है ना। तो और उसके अलावा आप हेडलाइट का भी इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि गलती से कोई पीछे सामने से गाड़ी वाला आए तो उसे भी पता चले कि मेरा आगे से कोई गाड़ी वाला आ रहा है। ये देखिए जैसे मेरे सामने एक गाड़ी जा रहा है, तो ये भी अपना चारों इंडिकेटर ऑन करके चल रहा है। तो आप भी ऐसे ही इंडिकेटर का यूज़ कीजिएगा। देखिए अभी इधर थोड़ा फिर से इधर मिल गया, फिर से फोग इधर मिला। देखिए ओफ, क्या आज मेरा तो नसीब ही खराब था कि मैं इस रोड
जाना बहुत मुश्किल हो गया इस रोड। देखिए उधर से भी गाड़ी आ रही है सब, वो भी अपने आस्ते 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 आ रहे हैं लोग। मैं भी इधर से जा रहा हूँ। देखिए कितना फोग गिरा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कभी भी आप लोग गाड़ी चलाइएगा ऐसे मौसम में तो ये पट्टी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि पट्टी इसीलिए दिया जाता है, जैसे फॉग मौसम में आप लोग पट्टी को देख के गाड़ी चला सकते हैं। अभी देखिए मेरे ये पीला पट्टी के लेफ्ट में रोड नहीं है, तो आप उधर जाइएगा तो आपका गाड़ी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए पट्टी का इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग, हमेशा पट्टी को देख कर ही गाड़ी चलाइएगा। अभी इधर मौसम सही है, इधर सही है, समझिए कि खोबर जो कतर से रोड जा रहा है खोबर के लिए वही रोड है ये, और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितना फोग